जय श्री राम। आपको जय जिला रहे अपने दल के कोई टक्कर में नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी 350 पार बछवामा के साथ में। बछरावा विधानसभा का चुनाव 23 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। आवाज ये जो भीड़ देख रहे हैं दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन यहाँ पर होने वाला है और डिप्टी सीएम मौर्य के आगमन को लेकर यहाँ पर हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह है। डिप्टी सीएम आने कितना उत्साहित है आप? हम तो उत्साहित है, हमारा युवा देखिए, सारे युवा पूरे जोश में है, पूरे होश में है, पूरी क्रांति पे है। अपने दल को कपलेट पे मोह लगा के विजयी बनाएंगे। हाँ, कपलेट पे लग रहा है आपको? कंफर्म है? 100% कंफर्म है। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? अरे हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, हमारा सबका साथ सबका विकास का मुद्दा, सबके विश्वास का मुद्दा, सबके विचार का मुद्दा है। करें बेरोजगारी बढ़ गई सरकार में? शांत रहो, बोल। देखिए ऐसा है, बेरोजगारी कहने से नहीं बढ़ती है। ये कुछ काम तो किया जाए, लोग काम तो करते नहीं है, केवल कमियां दिखाते हैं। हमारी सरकार काम कर रही है, जो काम कर दिखाई पड़ रहा है। महंगाई जो दिखाई पड़ा आप देखिए, जितने युवा हैं हमारे ये पढ़े लिखे हैं, ये सब जागरूक युवा हैं, ये स्वयं बता रहे हैं। चलिए मैं साथ भाई साहब, ठीक है, हाँ बताइए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह की अगुवाई में हमारी युवा मोर्चा की टीम हजारों की संख्या में आज जो है माननीय बाबुरिया ग्राउंड पे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के भाषण को सुनने आई है। और इस बार अपना दल और भाजपा का संयुक्त प्रत्याशी हमारे लक्ष्मीकांत रावत जी हजारों से हजारों वोटों से आगे चलेंगे। 1 लाख पार लक्ष्मीकांत। आप 1 लाख पार कहने की बात करते हैं, लेकिन जो आपके विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनका और उनके टक्कर में कोई है नहीं? कोई नहीं है। अभी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा जो उमड़ा हुआ जनसैलाब आपको दिखाई देगा। सैलाब तो हर सभा में रहता है, हर सभा में आपको भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, कुर्सियां आपको खाली मिलेंगी। अभी 20 सालों से उनके टक्कर में कोई नहीं था और 20 सालों से उनको हार मिल रही है। 20 सालों से उनके टक्कर में कोई नहीं, उनकी पांचवी हार होगी। विपक्षियों एक मिनट बताइए, सवाल क्या बताइए? विपक्षियों को कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए उनको अनाप शनाप बोलने को मिलता है। बाकी यहाँ लक्ष्मीकांत रावत 1 लाख पार हो रहे हैं। नहीं, बात भीड़ की होती है तो भीड़ हर जनसभा में होती है, भीड़ हर सभा में, लेकिन लक्ष्मीकांत रावत के साथ वोटर है, वोटर। अच्छा आप ये बताइए कितना दम है आपके प्रत्याशी में? ये हमारे समर्थक नहीं है, हमारे परिवार से, हमारे जुड़े के सब, हमारे सारे परिवार के बच्चे हैं। हमारी टीम से जुड़े पूरे युवा नेता हैं और इनका भविष्य हम लोग आगे बनाएंगे। अच्छा, जो जातवाद की राजनीति होने लगती है चुनाव में, क्या लगता है आपके साथ? हमारे ना परिवारवाद है, ना जातवाद, ना भ्रष्टाचार है। कहाँ लगता, क्या लगता? सबका साथ सबका विकास है। नहीं, सोच ईमानदार काम धंधा आपको लगता है हुआ भारतीय जनता पार्टी? अरे काम सोच ईमानदार तो नहीं, वही तो अंडरकरंट चल रहा है, ये अंडरकरंट आप देख रहे हैं, ये उसी का फल है जो सोच ईमानदार और दमदार काम हो रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से लगता है भारतीय जनता पार्टी का अगर यहाँ पर प्रत्याशी उतरता और जो अपना दल प्रत्याशी, सिंबल को लेकर क्या दिक्कतें हो सकती है? नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, हमारी हर टीम हर बूथ स्तर पर सेक्टर अध्यक्ष पे और मंडल अध्यक्ष पे पूरा काम कर रही है। हर स्तर हम लोग पूरा मजबूत, हमारी टीम युवा मजबूत, घर घर जाके और सबको जानकारी प्राप्त है। किस नंबर पर खड़ी नजर आ रही है आपकी पूरी विधानसभा में? मात्र कप और प्लेट है, विपक्ष का ना कोई मुद्दा है ना विपक्ष है यहाँ पे। राष्ट्रीय पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो या प्रदेशी पार्टी हो या जो भी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर मात और मात लक्ष्मीकांत रावत केवल है बस। शिक्षक की नौकरी छोड़कर कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव में पूर्ण तरीके से बचाव विधानसभा में लोगों पूरी जोश से लवरेज है। इस युवाओं का आप जोश देख लीजिए जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, पूरा हाल, पूरा पंडाल, पूरा ग्राउंड जिस तरीके से भर जा चुका है, खाली है, कहीं नहीं खाली। आप फिर से कैमरा घुमा के देखिए, काफी मात्रा में बाहर भीड़ खड़ी हुई है। जैसे ही वो आएगी आपको यहाँ एक जगह नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। ये जोश ही बता रहा है कि बचाव विधानसभा में अपना दल भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत रावत बहुत बड़ी लीड करने जा रहे हैं। आप कहते हैं हम टक्कर में हैं, जो आपके दूसरे लोग हैं उनका कहना कि जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो जनप्रिय नहीं धनप्रिय हैं, क्या बोलेंगे उनके लिए? ये उनकी सोच है, हमारा भारतीय जनता पार्टी अपना दल का प्रत्याशी बहुत मतों से आगे चल रहा है, बाकी दूसरे और तीसरे नंबर की आपस में आरोप लगा रहता है कि आपका जो पार्टी कम पढ़ा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, आरोप लगा रहे किसका, सबको देखिए कौन उस स्थिति में खड़ा हुआ है। हमारा प्रत्याशी बहुत ही मिलनसार, बहुत ही कुशल, बहुत ही बौद्धिक और हर स्थिति में उनसे अच्छा है। यहाँ पर अपना दल जीत जाएगी 100%, 100%, 101%, जय जय
श्री राम। अपने दल के कोई टक्कर में नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी 350 पार बछवामा के साथ में। केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? 100% आपको प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा, इतनी जनसंख्या है, इतना लोगों में जोश है, ये प्रभावी तो है। नहीं, जोश तो हर पार्टी हर उसमें दिखता है रैली में। नहीं नहीं, ये रैली का जोश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के का जोश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य का जोश है, भारतीय जनता पार्टी के विकास का जोश है, ये विश्वास का जोश है।